जुमे के दिन 3 दिन की बजाय लाहौर को 2 दिन बंद करें, क्योंकि हमारे छोटे शहरों से भी लोग लाहौर आते हैं थोक का सामान लेने के लिए, खास तौर पर क्लॉथ स्टोर्स। और ख़ास तौर पर मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि वो भावलपुर रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह फरमाएं, जो उन्होंने कबूल कर लिए। सो इस महीने जब भी वो डेट देंगे, भावलपुर रेलवे स्टेशन का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और मैं नवाज शरीफ साहब के एक बात का जवाब देना, सियासत शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं मुख्तसर बात करने पे यकीन करता हूँ, मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे, सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी, समेत नवाज शरीफ साहब के। मुझे किसी के खिलाफ ये बात करनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाली नस्लों के नौजवानों को पता चले कि एटमी धमाका तो डॉक्टर कदीर साहब और दूसरे लोग और हर हुकूमत ने इस पर काम किया, लेकिन कैबिनेट से जिन 3 लोगों ने खिताब किया और 3 लोगों ने ही इसके हक में कैबिनेट का रुख मोड़ने की कोशिश की, वो राजा जफरुल हक साहब थे, शेख रशीद थे और गौर अयूब साहब थे। हमने बुकिंग की खिड़कियां भी, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सिस्टम इतना लोड नहीं उठा रहा, प्रैक्स को भी कहा कि वो बुकिंग करें। पुलिस जो है इस बात को श्योर करेगी कि फासला रखें टिकटों वाले लोग। हमने कोरोना के साथ चलना है जी, ये 90 दिन इस मुल्क की बहुत अहम है। कोरोना इंक्रीज हो रहे हैं, टिड्डी दिल और 8-10 दिनों में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस है, बिजनेस मुतासर है, इनकम टैक्स में कमी है, और हुकूमत जो है उसने बजट भी पेश करना है। सो ये 6 बातें इन 90 दिनों में होनी है। और मेरे दोस्त ने, साबक दोस्त ने नैब से भी अपने कागजात पहुंचाने हैं, और जिन्होंने तोशा खानों को नहीं माफ किया, करोड़ों रुपए की चीजें कोड़ियों के भाव ली, गाड़ियों के 5-5, 10-10% लेके अपने नाम कराए। और मैं सियासी तौर पर समझता हूं कि वज़ीरे आज़म इमरान खान ने इस कोरोना के दौरान में जो स्टैंड लिया, वो अमली तौर पर इस मुल्क की जरूरत है। गो कोरोना बढ़ेगा, मैं सारी कौम के सामने कमिटमेंट करता हूं कि SOP पर देखें। शुगर की उनकी कितनी है, 22 अरब की है और हमारी 3 अरब की है, या उनकी 22 उनकी है या 23 उनकी है या 24 है, 3 हमारी है, लेकिन ये दोनों केस जाएंगे। ये नहीं हो सकता ये पूरे का पूरा 26 अरब का केस जाएगा, ये नहीं हो सकता कि हम नवाज शरीफ का केस भेजेंगे और मौजूदा केस नहीं जाएगा। ये केस FIA को जाना है जी, मलिक साहब FIA को जाना है या नैब को जाना है या जिसको जाना है, पूरे का पूरा जाएगा। मलिक साहब बस मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि मुझे मुल्क से बाहर जाना था, और जिनके पास धमाकों का डेटा था उसमें मैं शामिल था। अब मलिक साहब आप बहुत सीनियर काबिले एहतराम साफी हैं, मैं ही वो वाहिद आदमी था जो मैं किताब लिख रहा हूँ इस कोरोना का, मैंने भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सेहत मेरी ठीक रही कोई, मैं ही वो एक सियासी वर्कर था जो ईरान भी गया इसी एटॉमिक के मसले में, जब डॉक्टर कदीर के खिलाफ मसले पैदा हुए, और कजाफी को भी मैं ही जाके मिला था। सो ये पाकिस्तान की इमानत के राज हैं, ये इमानत ही रहेंगे जी। मुझे
जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे पीछे एजेंसीज लगी रहती हैं, लेकिन एजेंसियों का मुझे खुशी होती है। मैं अपनी तारीख में ये वाकया दोहराना चाहता हूँ। आप सब रेलवे की बीट कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे ने पिछले 2 साल में 5 रुपए की भी खरीदारी नहीं की, और सलमान साहब और ये कासिम और राजा रोते ही हैं कि पैसा नहीं है। हमने इस कोरोना में 1056 वैगनों को ठीक किया, 40 कोचेस, 40 ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन 100 ट्रेनें चलाने की पोजीशन में नहीं है। जिन छोटे स्टेशनों पे वो ट्रेनें चलती हैं वहाँ कोरोना प्रोटेक्शन के आलात नहीं हैं, और अगर आलात हमें चीन से आ गए तो हम उस पर भी काम करेंगे, लेकिन हमने सिर्फ वो स्टेशन खोले हैं जहाँ हम उसका मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं, और आज मैंने हदायत की है कि हेडक्वार्टर में भी टेस्टिंग लगाई जाए। 5 देखें, सिंध का ट्रैक बहुत बुरा है, पुराना है। जब मैं 14 साल पहले भी कह के गया था, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना लेते हैं, छोटे छोटे नहीं बनाते हैं। ML1 रेलवे की जिंदगी है, वरना रेलवे को हादसात से बचाना बहुत मुश्किल काम है। आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा पता है। मैं तो दूसरी बार आया हूँ, आप तो 20 साल के यहाँ बीट कर रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया है कि 90 दिन पहले, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जुलाई 31 तक का है, फिर ईद आ जाती है। सो 90 दिन, देखें मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया चीन से उलझने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान से वो उलझ सकता है, क्योंकि दुनिया में आज हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। आज यूपी सीपी और बॉम्बे और दिल्ली भी कश्मीर का नक्शा पेश कर रहे हैं। आज यूपी सीपी का मुसलमान जो है जिस जज्बे से पाकिस्तान की तरफ देख रहा है वो तारीखी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी। हमें ना इसकी दुआ करनी चाहिए, ना इसकी जिद्दोजहद करनी चाहिए, हमें बेहतर तल्लुकात रखने चाहिए। 3 सवाल हैं। मैंने आपको कहा है कि मैं एज ए रेलवे मिनिस्टर किसी को नहीं निकालूंगा। मैं आपको पिछले हफ्ते बयान दे, मजीद नौकरियां ML1 में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ML1 में मेरा सारे लाहौर की मीडिया बीट के सामने वादा है, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि ये चीन के जुम्मे में होगा, इसकी पेमेंट हमने नहीं करनी, और तमाम TLA के मुलाजमों को कन्फर्म करूंगा। तो आपका सवाल हो गया, मंगल गोश्त के नागे के दिन ही बुलाया ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखें शबाज और हमजा का केस इतना सीरियस है कि ची करें भी करें, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया है या शाम गया है, एक पेशी होती है, 2 और होती हैं। तो उसको कहा गया कि वो कोरोना से डरा हुआ है कि नागे गोश्त के नागे अगले दिन बुलाए। कोई मेरे भाई हैं चौधरी, मेरे सके सियासी भाइयों की तरह चौधरी को आप समझदार सियासतदान है, कोई ऐसा काम नहीं। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। देखें ये अपोजिशन लंगड़ी लूली बेकार करप्ट डिसऑनेस्ट स्लगिश, ये कैबिनेट, ये अपोजिशन इमरान खान का मुकाबला करेगी, जो पाकिस्तान में अपने ताई जितनी कोशिश हो सकती है कर रहा है। 7वां सवाल, वो 7वां उसका बस 2 सवाल और है। वो होता है TLA का, वो मैं बहाल करवा दूंगा। किसी PM पैकेज वाले बंदे को नहीं निकाला जा सकता। तनख्वाहों का मसला जरूर है, देखें सब कुछ आपको पता है। मैं देखें तनख्वाहों का मसला 3.23 बिलियन, 2 लगा लो, 3.2 बिलियन हमें चाहिए पेंशन के, 2.11 हमें चाहिए सैलरी के, 5.5 अरब रुपया हमें पहली तारीख को चाहिए। हमने डेटे रखी हैं, 5 को इसको देंगे, 10 को इसको देंगे, 15 को इसको देंगे, हर एक को तनख्वाह देंगे, हमने सिस्टम किया। मिल रही है ना, वो सरकार को मिल रही है ना, ये पेट्रोल और ट्रेन भी चलती है ना।
वो अभी नहीं मंजूरी हुई। लास्ट क्वेश्चन भाई, जिनके डेटा में से बहुत सारे लोगों की मिसेस का मसला था, बहुत सारे लोगों ने सफर किया हुआ था, अब मेरी बात सुन लेना, सवाल कर लिया आपने, सो काफी सारे लोगों को मिला है, उसको उसको नोटिस दिया आईटी वाले को, देखें गुजरांवाला सारी जिंदगी हमने ही दो ट्रेनें चलाई ना, अब हमें देखें ना गुजरांवाला हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है कोरोना की, ये उसी जगह ट्रेन रुक सकती है जहां टेस्टिंग फैसिलिटी होगी और एसओपी पे काम होगा, 60% से ज्यादा नहीं करेंगे, ऑन ओथ बता रहा हूं, अभी मैं मीटिंग से निकला हूं, 5 करोड़ रुपया हमें इन 10 दिनों में नुकसान हुआ है। लास्ट देखें इस्तेहकाम पाकिस्तान, हर पाकिस्तान की शौरी दुआ होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए, मैं नंबर बनाने के लिए या इमरान खान की हुकूमत में वजीर होते हुए मैं सिर्फ इमरान खान का साथी हूं, मैं पीटीआई की ना बात करता हूं ना करूंगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, जब वो जाएगा उसके साथ जाऊंगा, मैं ऑन ओथ कहता हूं कि ये धमाके 3 आदमियों ने कराए, अगर मेरी बात पर यकीन है तो कर लें, निजामी साहब भी हामी थे, कोई शक नहीं है इसमें। देखें जो मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं, निजामी साहब काबिल एहतराम है, खुदा उनको जन्नत में जगह दे, हमारे बड़ों की जगह थे, वो साफ ही लिखता है ना, उन्होंने उन दिनों लिखा कि करें। थैंक यू।